नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकल के आई है वसई तहसील कार्यालय से जुड़ी हुई। वसई तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे के ऊपर आज एंटी करप्शन की रेड गिरी और प्रदीप दामोदर मोकणे को एंटी करप्शन ने अपने ताबे में लिया, अपनी हिरासत में लिया। प्रदीप दामोदर मोकणे जो कि नायब तहसीलदार है, उनके साथ ही मंडल अधिकारी संजय सोनावणे को भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी हिरासत में लिया। इन दोनों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने किसी मामले में घूस की मांग की थी और इनके खिलाफ जब शिकायत की गई तो उस शिकायत में संजय सोनावणे पैसा स्वीकारते पाए गए। हालांकि प्रदीप दामोदर मोकणे के खिलाफ पैसा स्वीकारने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो प्रेस नोट एंटी करप्शन ब्यूरो थाने यूनिट ने जो प्रेस नोट निकाला, उन्होंने उसमें एक मेंशन किया हुआ है कि प्रदीप दामोदर मोकणे नायब तहसीलदार ने 2 लाख रुपए की मांग की थी और 1.5 लाख रुपए तड़जोड़ करने के बाद में 1.5 लाख रुपए फाइनल हुआ था लेना, लेकिन स्वीकारते हुए की बात नहीं आई है। जबकि संजय सोनावणे मंडल अधिकारी ने 2 लाख रुपए की मांग की थी और तड़जोड़ करते हुए 1,90,000 रुपए स्वीकारे। तो इस एक बड़ी खबर है वसई से है। वसई में भ्रष्टाचार का आज बड़े भ्रष्टाचार का आज खुलासा हुआ है। अब जब तहसील कार्यालय के इतने बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है तो कुछ चीजों पे मैं आज आपकी आपको कुछ चीजों का खुलासा आपके सामने करना चाहूंगा। बात करते हैं तहसील कार्यालय की। तो अभी कुछ महीने पहले भी एक तलाटी अधिकारी है, उसके ऊपर भी एंटी करप्शन की रेड हुई थी और वो तलाटी भी एंटी करप्शन की रेड में गया था। यानी कि पूरा का पूरा तहसील कार्यालय भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ पड़ा है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। और जब कभी कोई व्यक्ति इस तहसील कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करता है या कंप्लेन करता है तो उसको दबाने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाते हैं। हो सके तो शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत कर उसको गलत झूठे मामले में फंसा देते हैं, बहुत बार धमकी देते हैं, ऐसे कई मामले हैं। उन विषय पे अभी नहीं जाऊंगा, मैं फिर आता हूं पॉइंट की बात पर कि पॉइंट आज जो विषय, आज जो प्रेस नोट एंटी करप्शन ब्यूरो ने जारी किया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उस एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रेस नोट में जो मामला है वो जुड़ा हुआ है वसई गोखीवीरा अंतर्गत सर्वे नंबर 233। वसई अंतर्गत गोखीवीरा अंतर्गत सर्वे नंबर 233 की जमीन में फेरफार रद्द करने का। तो इसमें मैं आप नए खुलासे कुछ करने वाला हूं। आप मेरे हाथ में एक पत्र देख सकते हैं। ये पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निकला हुआ है और इस पत्र की तारीख है 2 जून 2021, एक साल पहले का यह पत्र है जिलाधिकारी कार्यालय का। इस पत्र में यह पत्र लिखा गया है उप विभागीय अधिकारी, प्रांत अधिकारी को, जिलाधिकारी कार्यालय से महापौर तहसीलदार महसूल चंद्रसेन पवार के द्वारा यह पत्र लिखा गया है। और इस पत्र में उनको यह आदेश दिया गया है कि मौजे विषय है मौजे गोखीवीरे तालिका वसई जिला पालघर यथिल सर्वे नंबर 233 अंतर्गत जानकीपाड़ा फादरवाड़ी या क्षेत्रातील शासकीय गुड़चरण जमीनीवर झालेल्या अनाधिकृत बांधकामा बाबत। इसका संदर्भ है श्री संतोष शिवाजी भगत यांचा दिनांक 30/3/2021 रोजीचा अर्ज। आपको मैं बता दूं कि सर्वे नंबर 233 जो है यह गोखीवीरा का काफी बड़ा सर्वे नंबर है और इस सर्वे नंबर की कुछ जमीन मालकी हक की है तो कुछ जमीन गुड़चरण सरकारी है, कुछ जमीन वहां लगे बोहरी कब्रिस्तान की है और कुछ जमीन आरटीओ की रिजर्व है, जो आरटीओ की है। ऐसे अलग 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 उस जमीन के पार्ट है, लेकिन पूरा सर्वे नंबर 233 एक है। उस सर्वे नंबर 233 की गुड़चरण जमीन के ऊपर साल 2021 में जब मेरी खुद की, मुझे खुद ही मालूम पड़ा था कि यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है अनाधिकृत तौर से, अनाधिकृत तौर पर यहां पर
सरकारी जमीन को हड़पा जा रहा है, तो मैंने शिकायत की थी। ये संतोष शिवाजी भगत जिनका ये पत्र है वो हमारे पेपर में, जिस पेपर में काम करता हूं स्वतंत्र सागर साप्ताहिक अखबार, उसके संपादक है, उन्होंने ये अर्ज जिलाधिकारी कार्यालय को लिखी थी कि इस तरह से हमारे ध्यान में ये आया है, सर्वे नंबर 233 पर अनधिकृत बांध काम हो रहा है, अब उस पर कार्यवाही करें। और उसके जवाब में उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय ने उप विभागीय अधिकारी को यह पत्र लिखा था। इस पत्र के अंदर विषय मैंने आपको बताया, संदर्भ बताया, जो मजकूर लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। उक्त विषयांच्या अनुषंगाने कल्पनीय देते कि श्री संतोष शिवाजी भगत स्वतंत्र सागर संपादक कार्यालय नेहरू नगर मरोल पाइपलाइन अंधेरी पूर्व मुंबई 40059 यानी मोजे गोखिवरे तालुका वसई जिला पालघर येथील सर्वे नंबर 233 अंतर्गत जानकीपाड़ा फादरवाड़ी या क्षेत्रातील शासकीय गुरचरण जमिनीवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत केलेला अर्ज वरील संदर्भीय पत्रान्वये या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे। सुलभ संदर्भासाठी संदर्भीय अर्ज व सहपत्र सोबत जोडला आहे। सदहू अर्जामध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती तपासून प्रचलित कायदे व नियमांच्या आधारे कारवाई करावी, तसेच केलेल्या कारवाई बाबत संबंधितांना आपल्या स्तरावरून कळविण्यात यावे व केलेल्या कारवाईच्या एक प्रत या कार्यालयात सादर करावी ही विनंती। या ऑर्डर दे रहे हैं उप विभागीय अधिकारी को कि ये कंप्लेन हमारे पास आई है संतोष शिवाजी भगत की, इसके ऊपर आप कार्यवाही कीजिए, और इस कार्यवाही करने के बाद में उनको कि आपने क्या कार्यवाही की उसकी जानकारी दीजिए, वहीं एक कॉपी कलेक्टर कार्यालय में भिजवाइए। अब यह सवाल रहेगा जिला प्रांत अधिकारी से कि उन्होंने क्या कार्यवाही की, क्योंकि अब तक हमारी जानकारी में ऐसी कोई कार्यवाही का उन्होंने पत्र नहीं भेजा है। नीचे फिर प्रत करके संतोष शिवाजी भगत के नाम से ये प्रत लिखा हुआ है, उनका प्रतिनिधि मैं हूं, यहां पर मैं यूसुफ अली मौजूद हूं और संतोष शिवाजी भगत हमारे संपादक हैं। ये दो बात थी 233 सर्वे नंबर की, जो सर्वे नंबर मैंने आपको बताया कि काफी बड़ा है और इसको लेकर आज प्रेस नोट में जाहिर हुआ। अब प्रदीप दामोदर मोकणे जो कि सबसे बड़े खिलाड़ी है, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी है, उनका मैं आपको और भी कुछ थोड़ा बताना चाहूंगा। प्रदीप दामोदर मोकणे पिछले करीब ऐसा कहा जाता है कि 25 से 30 साल हो चुके हैं वसई के अंदर ही पैर जमाए बैठे हुए हैं। कोई एक अधिकारी इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नियम है, लेकिन किन नियमों के आधार पर इनको वसई से बाहर नहीं निकाला गया है यह पूछना जरूरी है। प्रदीप दामोदर मोकणे पहले यहां पर रेशनिंग ऑफिसर थे, वसई विरार तहसील कार्यालय में पुरवठा अधिकारी के तौर पर थे, बाद में इनका प्रमोशन हुआ और नायब तहसीलदार बने। अभी हाल ही में कुछ तीन चार साल हुए जब इनका प्रमोशन हुआ, नायब तहसीलदार बने। बीच बीच में इनके ऊपर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन कभी उसकी जांच नहीं हुई, वो मुद्दा अलग है। एक बार ऐसा हुआ कि जब इनके ऊपर आरोप लगा कि इनकी जो सर्टिफिकेट है दसवीं का वही बोगस है या दसवीं के सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो उसका भी अब तक उसका भी कोई खुलासा पूरी तरह से हुआ नहीं है। अब रही बात, मैं फिर आता हूं दूसरे मुद्दे पर कि किस तरह से प्रदीप दामोदर मोकणे यहां पर हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं, और शासन जो है चाहे जिला प्रशासन हो चाहे राज्य शासन हो इस पर कोई दखल नहीं देता है। आपको याद होगा मेरे ही चैनल पर अप्रैल 2021 में हमने एक गुड फ्राइडे के दिन 2 अप्रैल के दिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था जिसमें मैं भी था मौजूद और कुछ वहां पर दूसरे पत्रकार भी थे। हमने ऑपरेशन किया था, छुट्टी का दिन था, सरकारी छुट्टी थी, और सरकारी छुट्टी होने के बावजूद कई 10 से 15 लोग बैठकर राशन कार्ड बना रहे थे, लीगल या इलीगल इसकी जांच नहीं हुई। जब वो लोग राशन कार्ड बना रहे थे तो किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम करता है उसका अपना आइडेंटिटी होता है, उसका अपना नियुक्ति पत्र होता है, लेकिन वहां उस समय जो लोग मौजूद थे उसमें स्वयं पुरवठा अधिकारी जो आज भी है रोशन कापसे, उनका आईडी कार्ड, वो सरकारी अधिकारी थे, एक लोखंडे करके है अधिकारी अव्वल कारकुन वो थे, और एक
कर्मचारी और था, ये तीन सिर्फ ऐसे कर्मचारी थे जो कि लीगली जिनके पास में सरकारी नियुक्ति पत्र था। उसके अलावा 10 से अधिक प्राइवेट कैंडिडेट थे जिनके पास में किसी तरह का कोई नियुक्ति पत्र नहीं था, किसी तरह का कोई आदेश नहीं था। वो लोग छुट्टी के दिन वहां पर राशन कार्ड बना रहे थे, और हमने उस ऑपरेशन को करने के बाद में तब पुलिस को बुलाया था, पुलिस ने आके जगह पे पंचनामा किया, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं की, और पुलिस ने ये बहाना बनाया कि ये विषय महसूल डिपार्टमेंट का है, हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि पुलिस कर सकती थी। लेकिन वसई पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ने कोई एक्शन लिया नहीं। यह मामला उस समय काफी लाइमलाइट में हुआ था, बड़े बड़े चैनलों ने इस मामले को रिपोर्ट किया था, बड़े पेपर ने भी रिपोर्ट किया था, और बकायदा लोकसत्ता पेपर तक में इसकी खबर छपी थी। उसके बावजूद इसको पूरी तरह से दबा दिया गया, पूरी तरह से दबा दिया गया। हालांकि उसके बावजूद हमारी अपनी तरफ से हमने कोशिश की और शासन को पत्र व्यवहार किया हुआ है, शासन से बकायदा आदेश भी जिला पुरवठा अधिकारी को आया हुआ है उसके ऊपर समुचित कार्यवाही करने का, और जो एक्शन लेकर उस एक्शन के बारे में शासन को बताने का, लेकिन अभी तक उस पर भी किसी तरह का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। यानी कि तहसीलदार मैडम जो है, इन सबकी सर्वे सर्वा कही जाएगी। तहसीलदार मैडम को उनके नाक के नीचे हर एक चीज हो रही, क्या उनको मालूम नहीं है? अगर है तो वह क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, और नहीं है तो जब उनको ये सब बताया जाता है जाकर, ये जब कागज उनके जब आते हैं जिलाधिकारी कार्यालय से, तो क्या तहसीलदार को इन कागज के बारे में मालूम नहीं है, या उनको रद्दी समझती है? वो इन आदेश को तहसीलदार मैडम रद्दी समझती है। अगर ये पहले ही इस तरह की कार्यवाही हुई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हालांकि आज ये जो कार्यवाही हुई, ये लाइव कार्यवाही है, इसमें एंटी करप्शन ने उनको रंगे हाथों पकड़ा है, तो जिसके बाद में अब ये मामला दबा नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि भ्रष्टाचार, जब सरकारें बोलती है कि हम भ्रष्टाचार को नहीं खपाएंगे, तो फिर ये कौन लोग है जो भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही नहीं करते? और आपको मालूम होगा, इतने दिन तक मैंने कभी कोई विषय उठाया नहीं, लेकिन आज बोलता हूं। सभी जानते हैं कि ऐसे ही मामलों में मैंने शिकायत की थी तो मुझे सीधे सीधे दबाने, रोकने, मेरे ऊपर फर्जी FIR की गई थी। 1 जुलाई 2021 को मेरे ऊपर फर्जी FIR सरकारी काम में बाधा डालने की गई। यही तहसील कार्यालय था, और इनके दबाव में पुलिस ने फर्जी FIR थी, पुलिस भी जानती थी कि FIR गलत है, लेकिन पुलिस ने FIR की। पुलिस भी इनके गुनाह में उतनी ही शामिल है। पुलिस के आला अधिकारी, चाहे फिर SCP हो, DCP हो, वो भी उतने ही इसमें जिम्मेदार है। एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था तो मैंने क्या गुनाह किया? लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार को उजागर करना ही बड़ा गुनाह है, यह चीज साबित किया था इन लोगों ने। खैर ठीक है, मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है, मैं कोर्ट में उस चीज को जरूर अपनी बात रखूंगा, और कोर्ट को समझ में आएगा, कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है। और आज ये मेरे पास एक बड़ा सबूत है, जिस 233 सर्वे नंबर को लेकर मोगने के ऊपर कार्यवाही हुई है, भ्रष्ट अधिकारी मोगने के ऊपर कार्यवाही हुई है, उसी 233 की हमने कंप्लेन की हुई है। और इतना ही नहीं, सर्वे नंबर 113 फादरवाड़ी, वो भी सरकारी जमीन है, उसकी भी हमने कंप्लेन की थी। इसके अलावा जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमने जो ऑपरेशन किया था, जो प्राइवेट लोग कैंडिडेट बैठे थे, उस दिन वहां मौजूद पुरवठा अधिकारी, वर्तमान पुरवठा अधिकारी रोशन कापसे का यह जबानी थी कि इन प्राइवेट लोगों को मैंने नहीं बिठाया, मोकड़े साहब के समय से ये लोग है। ये आदमी आज से काम नहीं किया, ये जब से मुकने साहब है या कोई भी जब से आऊंगे तब से ये काम। आपका आरोप है, आपका सीधा आरोप है कि मुकने साहब के जमाने से ये सब चल रहा है? आरोप नहीं है,
ये पहले से ही सब काम करते। आपने इस तरह के सुधार करने की कोशिश की क्या? अरे पहले पासून जर ही बसत असती तर पहले पासून इथे विदाउट त्यांची नियुक्ती त्यांना इथे बसवलं जाते म्हणजे चुकीचं आहे। चुकीचं कसं आहे? कसं आहे त्यांच्या ते अध्यक्ष कंप्लेंट करायचे असते म्हणजे कसं आहे कंप्लेंट करणं छान आहे आपण काम आपण काढून घेतो आपल्याकडे स्टाफ नाही। उन्होंने खुलेआम ये शब्द कहे थे कि इनको मैंने नहीं बताया, मुकने साहब के समय से ये है और पहले से चला आ रहा है, यानी कि इन सबके पीछे मास्टरमाइंड जो है वो अधिकारी मुकने ही है। आज भी प्रेस नोट में यह आया है कि इन्होंने लाश की मांग की, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा गया कि इन्होंने ली या नहीं ली, लेकिन यह मेरा दावा है कि हो न हो मामले को दबाने के लिए इस तरह से लिखा गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को मैं जब चाहे अपने पास जो सबूत है उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तैयार हूं और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। प्रदीप दामोदर मोकणे जितने गुनेगार है उतने ही गुनेगार तहसीलदार मैडम भी है, उनके ऊपर भी शिस्तभंग की कार्यवाही होनी चाहिए। तो दोस्तों ये खुलासा आप लाइव देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई बनावट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मेरा लिखा हुआ पत्र नहीं है, एक कलेक्टर का ऑर्डर पत्र है और उसी चीज में उसी सर्वे नंबर में एक सेकंड क्लास ऑफिसर रिश्वत लेते रिश्वत की मांग करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब प्रशासन उसके ऊपर क्या कार्यवाही करेगा, जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करेगा, इस पे सबकी नजर रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत से ऐसे विषय थे मैंने मुद्दा उठाया था जब 2021 में 200 बोरी ट्रक राशन इन्होंने बिना वरिष्ठ अधिकारियों के परमिशन के वो जीजी कॉलेज में रखा था, वो मुद्दा हमने उठाया था, उसकी जांच नहीं हुई। एक महिला जिसकी नियुक्ति नहीं थी और उसी महिला उज्ज्वला पार्डिवलकर, उसी महिला की शिकायत करने के चलते मेरे ऊपर एफआईआर की गई थी, वो महिला आज भी बिना नियुक्ति के वैसे तहसील कार्यालय में काम कर, तहसील कार्यालय में प्राइवेट लोगों का क्या काम, जब 2017 या 19 का माननीय कलेक्टर पालघर ने अपना दौरे के समय एक परिपत्रक निकाला था और उसमें लिखा था कि मुझे यहां आने के समय ऐसा महसूस हुआ कि यहां पर कुछ बाहरी लोग प्राइवेट लोग काम करते हैं तो उन प्राइवेट लोगों को निकाला जाए, यह परिपत्रक कलेक्टर का है और उसी परिपत्रक के संदर्भ में खुद तहसीलदार मैडम ने परिपत्रक निकाला हुआ है, तब तहसील कार्यालय हो या तलाठी कार्यालय हो या मंडल कार्यालय हो, हर जगह प्राइवेट कैंडिडेट किस आधार पर रखा हुआ है। ये लोग नियम कानून कायदा तोड़ने के लिए है या नियम कानून कायदे का खुद पालन करके पब्लिक को पालन करवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आज सच का खुलासा हुआ है। भले ही इन तहसील कार्यालय वालों ने पुलिस के ऊपर प्रेशर करके मेरे ऊपर झूठी एफआईआर करवाई, लेकिन आज इनका सच सामने आ गया, आज इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।